कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। शंघाई में 6 हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। चीन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू की गई है। इसके बावजूद कोरोना के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ चिंता बढ़ाई है, लोगों में असंतोष भी गहराने लगा है। इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा किया गया है, लेकिन इस फैसले का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन में कोरोना की चौथी लहर ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। दरअसल शंघाई के 16 में से 4 जिलों के लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग ना तो घरों से बाहर जा सकते हैं और ना ही डिलीवरी ले सकते हैं। चारों जिलों के लोगों को पहले की तरह बाहर घूमने पर भी रोका गया है। उन पर पाबंदी है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बीजिंग में भी सोमवार को लोगों को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। बीजिंग के लोगों को ऐसे कामों को करने से रोका गया है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलने का खतरा है। बीजिंग में लोगों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजा गया है। सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े संस्थानों और जगहों को भी बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को लगाए गए प्रतिबंधों के बाद विरोध भी होने लगे हैं। शंघाई के लोगों के मुताबिक मौजूदा प्रतिबंध जेल की तरह है। लोगों को कोरोना वायरस से डर नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार की नीतियों से लोगों में डर और नाराजगी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ चीन के कड़े प्रतिबंधों का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। दरअसल चीन के वुहान में दिसंबर 2019 में कोरोना संक्रमण का पहला मामला मिला था। इसके बाद करीब 2.5 साल हो गए और चीन को कोरोना संकट से मुक्ति नहीं मिली है। हालात ऐसे बने कि दुनिया भर को कोरोना संक्रमण के गंभीर संकट से जूझना पड़ा। इसके बावजूद चीन हमेशा से कोरोना वायरस को फैलाने से इनकार करता रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि चीन के लाख दावों के बावजूद कोरोना संक्रमण पर रोक नहीं लग सकी है और चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।